हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सतनाम वाहेगुरु खालसा वाहेगुरु जी फतेह, हर हर महादेव। कैसे बर्फ फटा रहे, पूरी बर्फ जमा, हर हर महादेव, हर 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 महादेव। जय शिव शंभो। गाइस ये ट्रैक है, लेकिन इसे घूमने वाली चीज कभी नहीं समझना, बहुत ज्यादा मुश्किल। फाइनली केदार जी के दर्शन हो गए। तो गाइस अभी हम है सोनप्रयाग में, अभी यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके गौरीकुंड है, वहाँ से ट्रैक शुरू होता है। यहाँ पे लास्ट स्टॉप है व्हीकल का, इससे आगे आपको पैदल जाके फिर टैक्सी मिलती है गौरीकुंड तक, और गौरीकुंड से फिर ट्रैक है लगभग 20 किलोमीटर का। वैसे आज ट्रैक बंद है बोल रहे हैं, लेकिन गौरीकुंड तक तो जा ही सकते हैं, और हो सकता है नाइट में अगर भेज रहे हैं तो आगे निकल जाएंगे बस। सो गाइस इस वक्त हम है सोनप्रयाग से लगभग 1 किलोमीटर दूर, और यहाँ पे टैक्सी स्टैंड है गौरीकुंड तक जाने के लिए। यहाँ पे टैक्सियाँ मिलती है 50 रुपीज़ पर सीट। ये देखिए राम जी, सुनील भैया, और यहाँ पे देखो ये सब आ रही है टैक्सी, और यहाँ से देखो ये भर रही है यहाँ पे, और यहाँ से आगे जाएगी गौरीकुंड तक, और वहाँ से होगा शुरू ट्रैक। जय महाकाल। बेचते तो ऊपर। तो गाइस ये है गौरीकुंड मार्केट। गौरीकुंड मार्केट में है हम लोग इस वक्त, जो कि सोनप्रयाग से लगभग 6 किलोमीटर है। यहाँ तक टैक्सी आ जाती है, अपनी प्राइवेट व्हीकल वहीं पे पार्क करके सोनप्रयाग में यहाँ तक टैक्सी से आना पड़ता है, फिर यहाँ से होगा आगे से ट्रैक शुरू। ये देखो जय श्री राम। हर हर महादेव। गाइज अब इस वक्त हम है गौरीकुंड में, और यहाँ से अभी ट्रैक शुरू होगा, यहाँ तक टैक्सी आ जाती है। देख लो ये भाई साहब, गाइज ये देख लो केदारनाथ में कैसे चढ़ाई पे सामान चढ़ाया जा रहा है ट्रैक्टर से। ट्रैक्टर भी काम नहीं कर रहा है तो लोग भी खींच रहे हैं। प्लस ये देखो, ये देखो, ये देखो, जय केदार, हर हर महादेव, जय शिव शंकर, हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। गाइज आई डोंट नो इफ यू कैन सी मी, ये देख लो मून, देख लो फुल मून है आज, और जब बर्फ पे आती है ना ये फुल मून की लाइट, भाई साहब क्या नज़ारे है। ट्रस्ट मी, ऐसे लग रहा है कोई बड़ा हॉलीवुड का सेट है, और मस्त हम जा रहे हैं आगे, मज़ा आ गया भाई, आनंद। ओम नमः शिवाय। अभी 4 बज रहे हैं वैसे, ये थोड़ा लाइट में आते, अभी हम लोग नीचे से नॉन स्टॉप नाइट ट्रैक कर रहे हैं, और अभी 4 बज रहे हैं। सो गाइस अभी ऑलमोस्ट 5 बज चुके हैं, और हम पहुंच गए कैंप लिंचोली। अभी लिंचोली से लगभग 5 किलोमीटर हम लोग को चलना है, और अभी जो ये समय है ना, तो भाई साहब सूरज की किरणें अभी बर्फ पे जो गिरेगी ना, तो अलग ही लेवल के नज़ारे हो गए। चलो चलते रहो, जय श्री राम। सो गाइस अब कुछ ही किलोमीटर दूर है हम अपनी मंजिल से, लगभग 5 किलोमीटर बचा है। जैसे मैंने आपको बताया कि लिंचोली कैंप में हम लोग रुके हुए हैं, अभी निकल जाएंगे। वो देखो सूरज की किरणें बर्फ पे आ रही है, कितनी बढ़िया लग रही है यार। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव।
भाई साहब पहुंच गए हम छानी कैंप, और ये देख सकते हैं सब कैसे घोड़ों को पार्क किया जा रहा है। ये हॉर्स पार्किंग एरिया है। अभी हम लोग थोड़ा शॉर्टकट से जाएंगे यहाँ से। और रामजी कैसे लग रहा है? और हर महादेव, ओ देखो हेलीकॉप्टर। और भाई साहब बढ़िया भाई साहब, थोड़ा अभी दोस्त जुड़ गए। ये अनमोल भाई साहब, मंजीत भाई। ओके भाई, कैसा लग रहा है यार यहाँ पे? बहुत टफ है भैया, बहुत टफ है। पैदल तो बहुत टफ है हमारे लिए, और आपके लिए तो बहुत ही आसान है। अरे आसान तो नहीं है भाई। भैया 5 दिन पहले होके गए हैं पैदल, वापिस 5 दिन बाद वापिस आ गए हैं। वापस आ गए हैं। आप देखो भक्ति, देखो नींद, देखो भक्ति में कितने भैया। भाई अभी वो भी करना है, हेमकुंड साहिब करना है। इन्होंने मतलब बोला है कि हो जाएगा, तो देखते हैं अभी आगे जाके जरूर करेंगे। हो सका तो वहाँ पे भी मिलते हैं जयपुर में। हेमकुंड साहिब, हेमकुंड साहिब में देखो भगवान ने बुलाया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सतनाम वाहेगुरु, खालसा वाहेगुरु जी फतेह। सो देखो ये 4 दिन पहले जो बर्फ स्लाइड हुई थी ना, यही पे ये एरिया में हुई थी। देख लो भाई अभी तक मेहनत कर रहे हैं, देखो रेस्क्यू कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट भाई, थैंक यू, धन्यवाद भाई साहब। सही में हाँ, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये देखो भाई साहब कैसे मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए। ये देखो अपनी, हाँ जी हाँ जी, अपनी जान की परवाह किए बिना देखो कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। बढ़िया है। सो गाइस आप मेरे पीछे देख सकते हैं SDRF की टीम पूरी लगी हुई है रेस्क्यू ऑपरेशन में। यहाँ पे 2 दिन पहले जो ग्लेशियर टूटा था वो यहीं पे एग्जैक्टली हुआ था। अभी भी शायद अलर्ट दे रखा है, तो जो भी यात्री आना जाते थोड़ा संभाल के आए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव गाइस। ये देखो आज 6th May है, एग्जैक्टली 1 वीक बिफोर मैं वीडियो कंपैरिजन कराऊंगा। ये देखो बाजू में आ रही होगी वीडियो, और ये आज की वीडियो है। देखो ये पूरा ये बर्फ से भरा हुआ था, इसके ऊपर पूरी बर्फ थी। अभी क्लाइमेट काफ़ी सारा क्लियर है केदारनाथ में, देख सकते हैं आप। और दिस इज़ परफेक्ट टाइम टू विजिट केदारनाथ। अभी रोक भी नहीं रहे, लेकिन बीच बीच में यहाँ पे ग्लेशियर टूट जाते हैं, तो फिर वहाँ पे थोड़ी देर के लिए या 1-2 दिन के लिए यात्रा रोकी जाती है। हर हर महादेव। गाइस उत्तराखंड सरकार और यहाँ की टीम को हमारी तरफ से सैल्यूट, सही में सैल्यूट करना चाहूँगा। जगह जगह पे मुफ्त चिकित्सा बेस कैंप है, पूर्णतः निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं, क्या बात है। और मैं नीचे मेडिकल में गया था, तो मेडिकल में भी वही थोड़ा 2-3 चीज़ें ली, जैसे इलेक्ट्रोल पाउडर वगैरह, तो बाद में पता चला वो सब फ्री है मेडिकल में। जो भी लेंगे आधार कार्ड लिंक करना पड़ता है, आधार कार्ड या फिर फ़ोटो ले लेते हैं वो लोग, बट क्या सुविधा है भाई सब। हेलीपैड, और आधे किलोमीटर में हम लोग केदारनाथ पहुंच जाएंगे। हेलीपैड
ये रजिस्ट्रेशन चेक करवाने की लाइन है, यहाँ पे अभी टोकन मिलेंगे दर्शन के लिए। और वो रहा मंदिर, आपको यहाँ से नहीं दिखेगा, वो बिल्डिंग के पीछे है, लगभग आधा किलोमीटर है, लेकिन लाइन यहीं से शुरू हो जाएगी। जय महाकाल। और हर हर महादेव। पिछली बार जब आए तो यहाँ से लाइन शुरू हुई थी, अभी लाइन थोड़ी कम है। तो देखो लोग, यात्री ऊपर भी जा रहे हैं कैसे। भैरवनाथ जी का मंदिर है ऊपर। बोले बम बम बोले। हम फिर से आ गए हैं केदारनाथ जी के दर्शन लेने राम जी के साथ और सुनील भाई के साथ। तो अभी आप देख सकते हैं, लास्ट वीक में आया था, आज देखो आज तारीख से 6 में है, लास्ट में 27 को आया था, मतलब एक हफ्ते लगभग पहले आया था। तो यहाँ पे पूरी की पूरी बर्फ पड़ रही थी, पूरा का पूरा केदारनाथ वाइट हो गया था, पूरी हर जगह पे बर्फ दिख रही थी, नंदी जी भी ढक गए थे, मंदिर भी ढक गया था बर्फ से। तो अभी थैंकफुली क्लाइमेट बहुत बढ़िया है, चलो सबसे सबके दर्शन हो जाए अच्छे से, यही प्रार्थना करते हैं केदार जी से। हर हर महादेव, हर हर महादेव। गाइस देखो केदारनाथ में रेनबो बराबर सिर के ऊपर, और ये केदारनाथ जी। सो गाइस यही भीमशिला है जिसने इस मंदिर को बचाया था 2013 की आपदा से, जब यहाँ से पूरी बाढ़ आ रही थी, तो ये बराबर मंदिर के सामने आके रुक गया था और इस मंदिर की रक्षा की थी। सो गाइस हमारे पीछे केदारनाथ जी का मंदिर, आप सभी को पता है पांडवों ने उनका निर्माण, उसका मंदिर का निर्माण किया था। और अभी हम स्टैचू देखेंगे जो शंकराचार्य जी महाराज जिन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। वो देखो वो मंदिर है, और शंकराचार्य जी की स्टैचू की तरफ जाने के लिए हमें यहाँ से टर्न होके पूरा अंदर से ऐसे घूम के पूरी प्रदक्षिणा करके अंदर 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 करते हुए जाना है। हर हर महादेव। फाइनली केदार जी के दर्शन हो गए। नेक्स्ट टाइम अगर मुझे कोई पूछता है स्वर देखा है, तो जी आप स्वर देखा है मैंने गाइस, ये देख लो।
हर हर महादेव, जय केदार, जय भोले, जय शिव शंकर। तो गाइज एक ही हफ्ते में दूसरी बार केदार जी को अलविदा कर रहे हैं, फिर से आएंगे। जय केदार, हर हर महादेव। वो जो देख रहे हो ना चोटी पे, मतलब वो सामने जो मंदिर है ना, भैरवनाथ जी का मंदिर है। और ये देखो, जैसे राम जी के दर्शन करने के लिए हनुमान जी के दर्शन करने ज़रूरी होते हैं ना, हनुमान जी को प्रसन्न करना ज़रूरी होते हैं, तो बस ऐसे ही कुछ रिलेशन है। गाइस आप देख सकते हैं अनप्रेडिक्टेबल वेदर ऑफ उत्तराखंड, स्पेशली पहाड़ में आप ये नॉर्मल है, बिकॉज आप मॉर्निंग में देखा केदारनाथ में कितनी ज़्यादा धूप थी और बढ़िया था क्लाइमेट, एकदम क्लीन था, ऐसे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि बारिश या फिर स्नोफॉल होगा। लेकिन भाई साहब स्नोफॉल भी हो गया, बारिश भी हो गई और ये क्लाइमेट देखो, ओहो। गाइस 2 बज चुके हैं रात के और ये रश देख रहे हो। हमारा ट्रैक ख़त्म हुआ और ये लोग अभी ट्रैक शुरू कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। हे भोलेनाथ की शादी हम तो नाचेंगे, जय शिव जी, जय महाकाल। ये देखो यही मंदिर है जहाँ पे शिव जी और पार्वती का विवाह हुआ था। देखो कैसे टेंट में बर्फ जम रहा है, ये सब सारी की सारी टेंट है, पूरी बर्फ जम रही है अभी।